कितना टाइम बाद यार, अबे यार। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत काफी लेट हो रही है, रात के 8 बज गए हैं और थोड़ा सा जल्दबाजी में भी हूँ क्योंकि आज इतनी ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, शायद मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज, आज हमारे घर में बहुत ही स्पेशल लोग आने वाले हैं। वो कौन है आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिख जाएगा। मैं उनके वेलकम की बहुत सारी तैयारियाँ आप पे जुटी हुई यहाँ पे, साथ में मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी लेट भी हो गया, 8 बज गए। वो उधर मिक्सर में कुछ पीस रहे हैं, इधर यहाँ पे मंचूरियन बन रहा है, इधर मिक्स वेज बन रहा है, इधर पनीर बन रहा है, आटा मैंने लगा के रख दिया है। वो सब आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, अभी वो आने ही वाले हैं। मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में भी हूँ, ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलवाते हैं आपसे, ब्लॉग में बने रहिएगा, जाएगा नहीं कहीं, पूरा ब्लॉग एंड तक देखें। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि हमारे घर पे बहुत ही स्पेशल लोग आने वाले हैं, वैसे आपने थंबनेल से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिया होगा। उनके साथ मेरे बहुत सारे पुराने फोटोज़, उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, कुछ रील्स वगैरह होंगी, तो मैं मोस्टली मतलब वैसे अपडेट करती रहती हूँ। तो थोड़ा बहुत जो लोग मुझे काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने पता चल गया होगा, आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन आने वाला है। तो यहाँ पे मिक्स वेज की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली 8 बज गए थे, तो काफ़ी दिन से हम लोग ऐसे बोल रहे थे कि दीदी आप आओ यहाँ पे, आप आओ यहाँ पे, बट हो नहीं पा रहा था। एक्चुअली जब नई नई शिफ्टिंग होती है तो इतना टाइम मिलता नहीं है आपके, होता नहीं है आपके पास, और फिर स्पेशली बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा का स्कूल है, हस्बैंड की ड्यूटी है, नया नया शिफ्टिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरे पास भी छोटी बच्ची है, तो ऐसा पॉसिबल था नहीं कि मैं एकदम से ऐसे मिलने जाऊँ। मैंने क्वार्टर देखा हुआ नहीं था, पहले बाहर थे, तो जैसे यहाँ शिफ्टिंग तो बस हमारा प्लान बन रहा था, तो कभी कुछ ऐसे हो जा रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था। तो फाइनली मतलब सडनली ऐसे रैंडमली हुआ कि हाँ बोला हम लोग आ रहे हैं, वो भी ट्रैफिक में फंस गए थे, पहले कहीं बाहर गए हुए थे तो वो ट्रैफिक में फंस गए, तो 8 बजे के लगभग ऐसा हुआ कि मतलब वहाँ आ रहे हैं। तो यार मैं थोड़ा सा वो हो रही थी यार, कैसे करूँ मैं अचानक से सब, क्योंकि दीदी इतने साल बाद मिल रही है मुझे, लगभग 3 साल हो गए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हेल्पफुल है इस मामले में, मतलब ऐसे मैं ब्लॉग में तारीफ नहीं कर रही कि यार उनका मतलब ऐसे, लेकिन बोल रहे थे कोई नहीं तो टेंशन मत ले मैं करूँगा तेरे साथ, तो सब्जी उब्जी कट वगैरह कर रहे थे साथ में। तो मैंने कहा स्नैक्स के लिए मैं यहाँ पे मंचूरियन रेडी कर रही थी, मैंने कहा वो सबसे फटाफट से बनने वाला भी रेसिपी भी है और थोड़ा सा स्नैक्स में अच्छा भी लगता है। तो दीदी को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे पता है, मुझे पहले से उनके टेस्ट के बारे में पता है, उनको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट मिक्स वेज भी रख दिया था, कट करके मतलब चूल्हे पे चढ़ा दिया था। उधर मैं मंचूरियन की तैयारी कर रही थी, ये मेरा, मैंने कहा यार सुबह से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, दीदी के वेलकम की मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सा शूट करो आप। तो किचन में बहुत सारी यहाँ पे तैयारी चल रही थी, इधर मैं मंचूरियन, मैंने कहा ये फटाफट से बनने वाला भी है और ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, और वो लोग आ भी जाएंगे उनके साथ। मतलब ऐसा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड दीदी के साथ करना है, बस किचन का मैं निपटा लूँ फटाफट से, तो बस आगे आप लोग देखना। गाइस, हार्ट बीट मेरी तेज हो रही है, फाइनली 3 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है और वो भी क्वार्टर में। ओह माय गॉड, आ गए वो लोग, याद को मेरी आ रही को देखो कैसे मैं कैसे भाई 3 साल बाद मुलाकात हो रही है हमारे, 3 साल हो गए। बैठो बैठो बैठो, बेटी का है ये, आपकी बेटी, ये देखो ये आपकी बेटी, कौन है दीदी? भाई मेरे तो हार्ट बीट तेज हो रही थी कमल दी, अबे यार बैठो बैठो बैठो। लड्डू मेरा बच्चा, और कैसे है लड्डू? मैं ठीक हूँ। अबे यार सच बताऊं तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी अंदर से, मतलब अजीब सा लग रहा था कि यार मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस तरीके से मिल पाएंगे दोबारा। सच में मतलब जैसे मैं बताती हूँ हमेशा कि ये क्वार्टर का रिश्ता ऐसा बन जाता है हमारा, मतलब ऐसा था ही नहीं कि मतलब हम शायद कभी दोबारा मिल पाएंगे। कॉन्टैक्ट में ऐसे थे, बात बात होती थी हमारी मैसेज में, लेकिन ऐसा लगता था शायद, लेकिन होता है ना कभी कभी जब आप लोगों का मिलना होता, कहते दुनिया गोल है, एक टाइम बाद जब कोई रिश्ता आप से दिल से जुड़ जाता है तो कभी ना कभी आपको ऐसे मिल जाता है। तो वही वाली बात है, किचन का मैंने ऑलमोस्ट निपटा दिया था, आटा वाटा लगा के रख दिया था, सिर्फ और सिर्फ रोटी बनानी बाकी थी। तो यहाँ पे स्नैक्स वगैरह हो गया था हमारा, तो उसके बाद भैया और ये मेरे हस्बैंड तो उधर दूसरे वाले रूम में बैठ गए थे, वो उधर अपना गपशप कर रहे थे और मैं और दीदी इधर आ गए थे। तो भाई आप, मैं यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि इतनी सारी बातें हुई हमारी, 3 साल की बातें, मतलब लग रहा है कि 4 साल और बीत जाएंगे हमारे तब भी हमारी बातें खत्म नहीं होगी। तो दीदी बोल रही थी कि मुझे मतलब पहले की बातें बता रही थी ऐसा वैसा, फिर उसके बाद वहाँ पर पुराने फ्रेंड्स थे, सब चले गए थे पोस्टिंग, तो दीदी सबके बारे में बता रही थी, वो चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं हम ऐसे फ़ोन में नहीं कर सकते, जो बातें सामने होती है वो सामने ही होती है, मतलब फ़ोन में इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं हो पाती है। तो वही पुरानी बातें,
कैसा क्या ये सब चीजें मतलब हो रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि यार बस अब सामने मिल गए तो बस ऐसे मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी यार कि इतने टाइम बाद, मतलब खुशी का वो था अंदर कि दीदी इतने टाइम बाद मिल रही है मुझे, मतलब ऐसी है कि बड़ी बहन की तरह है, अगर मैं कुछ गलती भी करती हूँ तो मुझे वहीं पर डांट लगाएगी कि तूने यहाँ पे गलत किया। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ होता है ना कि जैसे हम लोग दोस्तों में ऐसा होता है कि यार नहीं बुरा मान जाएगी, ऐसे नहीं भला लगे बुरा लगे, दीदी फटाक से अगर कुछ वो होता है कि गलत होता है तो मुझे फटाक से वहाँ पे बड़ी बहन की तरह एकदम, मतलब दोस्त भी है तो बड़ी बहन भी है तो गलत करती हो तो वहीं पे मुझे टोक देती है। ऐसा नहीं कि इसको बुरा लगे भला लगे, बोलती है मुझे, गलत के लिए भी बोलती है और अच्छाई के लिए भी बोलती है। तो ऐसी है मतलब होते हैं ना हमारी लाइफ में कुछ ऐसी। और आरू स्पेशली, क्योंकि आरू उस टाइम बहुत छोटी थी जब हम पिछले क्वार्टर में, उस टाइम मैं ब्लॉगिंग भी नहीं करती थी तो आरू दीदी की फ़ोटोज़ वीडियो कॉल वगैरह होता था, फ़ोटोज़ थी मेरे पास पहले की तो आरू देखती थी, तो आरू को हम बार बार बोल रहे थे कि आप दीदी को पहचानती हो, तो आरू भी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ मम्मा कोमी दीदी, वो आंटी कभी नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी कोमल दीदी, तो वो कोमल दीदी को उसने अपने आप ही निकनेम रखा कोमी दीदी। तो बेटी भी मेरी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बोली मम्मा कब आएगी कोमी दीदी कब आएगी। तो कुछ ऐसा रिश्ता है मेरा और मेरी बेटी का कोमल दीदी के साथ, उसकी आर्या की कोमी दीदी। तो बस वही बातें हो रही थी, मुझे आज भी याद है, कुछ लोग हमारी लाइफ में इतने स्पेशल होते हैं ना, मैं मतलब क्या बोलूँ अब, ठीक है शब्द आज कम पड़ जाएंगे, टाइम भी कम पड़ जाएगा, हम दोनों की बातें पूरी नहीं हो रही थी, मुझे आज भी याद है मेरी आर्या छोटी सी थी 8 महीने की, उसने क्रॉलिंग करना ऐसे घुटनों के बल चलना ऐसे मतलब स्टार्ट किया था, तो उसका गिरने का बहुत ज़्यादा वो रहता था, मुझे गिरती रहती थी। और ऑफिसियली काम से हस्बैंड कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, तो आज भी आते तीनों टाइम का खाना दीदी मेरे लिए ऊपर मतलब एक ही बिल्डिंग में रहती थी ऊपर लेके आती थी, तू टेंशन मत ले, तू बस सिर्फ और सिर्फ आर्या को दे, काम भी छोड़ दे तो काम वाम तो होता रहेगा, खाना बना के देती थी भाई ऊपर एकदम, चाय से लेकर खाना जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है लंच होता है डिनर होता है वो सारा बना के देती थी मुझे ऊपर, तू सिर्फ आर्या का ध्यान रख बस कि वो गिरनी नहीं चाहिए, मतलब आरू को एकदम अपनी बेटी जैसे मानती थी। तो यहाँ पे बस वही बातें चले, तो मैं दीदी को बता रही थी दीदी यहाँ पे एक दिन मैं ऐसे स्लिप हुई, दीदी को वो सारी चीज़ें मतलब यार मैं क्या बोलूँ दीदी के बारे में, अबे यार और बहुत सारी हमारी बातें चल रही, फिर आर्या आ गई थी उसको भी बस रहा नहीं जा रहा था और ऐसे मतलब एकदम से जाती नहीं है किसी के पास भी, लेकिन दीदी के पास एकदम दीदी के साथ बहुत सारी स्कूल की बातें भी बता रही थी कि दीदी स्कूल में ऐसा होता है, कोमी दीदी स्कूल में ऐसा होता है। तो बस यहीं पर हमारी बातें बातें हुई थी, काफ़ी मतलब लेट भी हो गया था, बहुत लेट हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, तो बस बातें चलती रही हमारी और फिर बस हमने डिनर किया, बस मेरे हस्बैंड कह रहे बस तुम लोग आज डिनर भी मत ही करो, गप से ही तुम लोगों की दोनों गप शप से ही तुम लोगों का पेट भी बढ़ जाएगा, बट कोई नहीं हम अगले दिन भी फिर दीदी से मिलेंगे, मैं और आरू स्पेशली दीदी के क्वार्टर में जाएंगे, अब दीदी अंदर आ गई शिफ्टिंग अंदर क्वार्टर मिल गया दीदी को, तो बस अब दीदी के साथ तो हमारा डेली नहीं भी हो पाएगा तो वीकेंड में आना जाना होता रहेगा दीदी के पास पास, तो कभी दीदी से मिलने जाया करूँगी, कभी दीदी इधर आ जाया करेगी, ऐसा रहेगा हमारा, बस वही बातें हो रही थी हम ऐसे ऐसे मिलेंगे अब एक दूसरे को, बस आज फीलिंग उस लेवल की, एक कहावत है ना सालों बाद बिछड़े हुए दोस्त मिले हैं, तो आज सेम वही वो डायलॉग बस हम पे ही मतलब शूट कर रहा है, ऐसा फील हो रहा था कि ये डायलॉग एकदम परफेक्ट बना हुआ है। कोमल देव टाइम तो बता दो एक बार घड़ी में, 12:13 हो रहे हैं दोस्तों, अब जा रहे हैं हम अपने घर, बहुत परेशान कर दिया सालों को, चल मैं छोड़ रहा हूँ दीदी, चले मैं करूँ दीदी भाई, चलो दीदी मिलती हूँ अगले दिन ना, ये जा रहे हैं ना दीदी।
ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। हाँ भाई बिल्कुल। चलो भैया बाय, करूंगी तेरा। ठीक है तो दीदी जा रही है अभी। तो गाइस 12:10 हो गया, आप देख सकते हैं 11:30 बजे तो हम लोगों का डिनर ही हुआ, क्योंकि 3 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए आज। तो ये कोमल दी है, जो कि हम पहले पोस्टिंग में साथ में थे, एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हाँ बेटा, तो फाइनली दीदी की पोस्टिंग भी यहीं पे आ गई, तो फिर सोने पे सुहागा हो गया। जो हमारा प्यार है उनको खींच लेके आया इधर। तो फाइनली हम लोग मिलेंगे, थोड़ा पास नहीं है, थोड़ा सा दूरी पे है, बट ठीक है एटलीस्ट मिल तो गए। क्योंकि बहुत कम होता है कि आपको, मतलब किस्मत की बात होती है कि आप लोग फिर से मिल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फाइनली 3 साल बाद हमारी मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लगा। इतनी तो ज़्यादा मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि मुझे उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था। और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पेंड, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।